क्या कोई सोच सकता है कि किसी के यू हैव अल्सर्स इन योर माउथ और वो विशबॉक्स में लिखने से वो ठीक हो सकते हैं? क्या कोई कनेक्शन, क्या एक लेमैन या जो थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचता होगा या चीजों के रीजंस ढूंढता होगा, कोई भी नहीं बिलीव कर पाएगा? So, क्या है आपके एक्सपीरियंसेस अभी तक लेवल टू की टेक्निक्स के साथ? मैम, मेरे लिए तो लेवल टू का स्पेशली विश बॉक्स जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है वो एकदम मिरेकल है. मतलब फॉर मी इट्स अ मिरेकल. वो 4-5 दिन में जो डिफरेंस है और वो पहले का जो मैं सब चीजें प्रैक्टिस कर रही थी उससे जो प्रोसीजर था वो थोड़ा स्लो था, बट आई बिलीव ये कंटिन्यूस चलता है जैसे आपने समझाया था, तो मे बी इट्स राइट राइट रियली गुड. सो आपने किस पर्टिकुलर विश के लिए किया था? विश हाँ, बॉक्स का मेरा तो यूज आपको पता ही है, मेरा तो हेल्थ. माउथ का जो हेल्थ का या इशू गुड. है उसके लिए ही मैंने किया सो था. देखो, यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल हेल्पफुल. माइंड, जिन लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक फीडबैक है आपका, मतलब क्या कोई सोच सकता है कि किसी के यू हैव अल्सर्स इन योर माउथ और वो विश बॉक्स में लिखने से वो ठीक हो सकते हैं? क्या कोई कनेक्शन, क्या एक लेमैन या जो थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचता होगा या चीजों के रीजंस ढूंढता होगा, कोई भी नहीं बिलीव कर पाएगा? इनिशियली बिगनिंग में मैं नहीं बिलीव कर पाई थी विश बॉक्स पे, जब मैंने अपना फर्स्ट विश बॉक्स बनाया था. ठीक है, और मेरी विश बॉक्स की जो विश थी, आई शेयर इट टुडे. इट वाज आई मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी. आई वाज अ सिंपल होम मेकर. मैंने अपने आप को फिजिकली हील करने के लिए रेकी ज्वाइन किया था, और जब रेकी 2 में आई तो विश बॉक्स का कंसेप्ट सुना, आई वाज लाइक कैसे पॉसिबल है यार. अच्छा चलो लिख लेते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, सोच लेते हैं सोचने में क्या जा रहा है. वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग ना, हम विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, वी नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, बट वी डोंट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड द पेनी. विंडो शॉपिंग है, डिसाइड करके जा रहे हैं. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उस पर्टिकुलर डे पे ही बहुत अच्छी चीज मिलती है, इट्स वर्थ इट एंड ऑल, राइट? सो इट्स लाइक मैंने भी ऐसी सोच के कुछ लिख दिया था अपने विश बॉक्स में, दैट फिश वॉज आई एम हैप्पीली वर्किंग प्रोफेशनली, दैट्स इट. मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता था, एंड दिस इज वेयर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ दैट. माई फर्स्ट विश इन द विश बॉक्स.